अनिल कपूर की तरफ से होस्ट किए गए बिग बॉस OTT3 जब से जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होना शुरू हुआ है तब से फैंस एक भी एपिसोड देखना मिस नहीं करते हैं। इस बार के सीजन में यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नियों के साथ शो में धमाल मचाने के लिए पहुंचे थे। जहां कृतिका अभी भी गेम में बनी हुई है, वहीं पायल एनिमिलेट हो चुकी है। हाल ही में वीकेंड का वार एपिसोड में हमने देखा कि अरमान ने टिकटॉकर विशाल पांडे को थप्पड़ जड़ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि विशाल ने उनकी दूसरी पत्नी पर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी। आज हम आपको अरमान मलिक के नेटवर्थ के बारे में बताएंगे। वो बीबी हाउस के सबसे पैसे वाले कंटेस्टेंट्स में से एक है। अरमान मलिक न केवल अपने गेम प्ले से बल्कि अपनी अच्छी खासी नेटवर्थ से भी धूम मचा रहे हैं, जिससे वह बिग बॉस OTT3 हाउस में सबसे अमीर प्रतियोगी बन गए हैं। सिद्धार्थ करण के शो पर यूट्यूबर अरमान ने अपनी सफलता और नेटवर्थ का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी कुल संपत्ति 100 से 200 करोड़ के बीच है, जिसमें 10 फ्लैट हैं, 4 उनके परिवार के लिए और 6 उनकी टीम मेंबर्स के लिए। उन्होंने यूट्यूब पर महज 2.5 साल में ही शौहरत और दौलत हासिल कर ली है। उनके चैनल मलिक ब्लॉग्स पर 7.61 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं फैमिली फिटनेस पर 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनका परिवार चिरायु पायल मलिक, मलिक फैमिली ब्लॉग्स, नंबर वन रिकॉर्ड्स, मलिक किड्स और मलिक फिटनेस ब्लॉग्स जैसे चैनलों पर भी एक्टिव है। उनके पास चंडीगढ़ में फार्म भी है जिसमें पशु की सेवा की जाती है। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT3 प्रतियोगी के पास एक फॉर्चुनर, एक महिंद्रा SUV और एक स्कॉर्पियो है। इसके अलावा उन्होंने कथित तौर पर अपने बेटे चीकू को स्कूल जाने के लिए एक ऑडी गिफ्ट में दी। उनके पास 2 बॉडीगार्ड भी हैं। इससे पहले अरमान मलिक ने अपने स्ट्रगल लाइफ को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड के समय उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और 11 लाख का लोन भी लिया हुआ था। हालांकि टिकटॉक आने के बाद लोग उनको पसंद करने लगे। बिग बॉस OTT3 से रिलेटेड और जानकारी के लिए बने रहे इंस्टा फीड के साथ।